एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हेलो फ्रेंड्स, आज हम किंग आर्थर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। अपने जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित आर्थर शहर की पिछली गलियों में कठिन रास्ते पर आता है, लेकिन एक बार जब वह पत्थर से तलवार खींच लेता है तो उसे अपनी असली विरासत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। राजा आर्थर किंवदंती का एक वैकल्पिक संस्करण एक लड़के के रूप में आर्थर अपने पिता राजा उत्तर पैडग्रेन के बाद अनाथ हो गया और वोटिग्रेन द्वारा उनके खिलाफ छेड़े गए युद्ध में मां की हत्या कर दी गई, जो तब सिंहासन ग्रहण करता है। आर्थर भाग जाता है और एक वैश्यालय में पड़ा बला बढ़ा है। अपने जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में बहुत कम जानता है। वो टिग्रीन चाहता है कि मार्थर मर जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सिंहासन का कोई दावेदार ना हो। क्यों दंतिया भविष्यवाणी करती है कि केवल अगला राजा ही उस चट्टान से एक्सेलिबुर उत्तर की तलवार खींचने में सक्षम होगा जहां इसे रखा गया है। इसलिए आर्थर की पहचान करने के प्रयास में वोटिग्रेन ने आर्थर की उम्र के सभी युवकों को तलवार निकालने का प्रयास करने के लिए मजबूर किया। अब आर्थर की बारी है। मॉडेड एक लोहे की मुट्ठी वाला युद्ध पोत है और उसकी सेना ने मानव जाति पर जादू टोन वाले मेग एस का प्रभुत्व स्थापित करने की मांग करते हुए कैमलॉट को घेर लिया। ब्रिटेन के राजा उत्तर पैडग्रेन ने मॉडेड की मात में घुसपैठ की और गैमलॉट को बचाते हुए उसका सिर काट दिया। उत्तर के विश्वासघाती छोटे भाई वोटिग्रेन, जो सिंहासन की लालसा करते हैं, एक तख्ता पलट करते हैं और अपनी पत्नी एल्सा को एक दानव सूरवीर बनने के लिए घास काटने के लिए बलिदान करते हैं, जो उत्तर की पत्नी इग्रेन को मारते हैं और युद्ध में उत्तर को मारता है। एकमात्र उत्तर जीवी उत्तर का बेटा आर्थर है, जो एक नाव में बहता है और लॉर्डिनियम में समाप्त होता है। लॉर्डिनियम की उबड़ खाबड़ और खतरनाक सड़कों पर अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष करते हुए अनाथ युवा सेनानी और उत्तर पैडग्रेन का इकलौता बेटा आर्थर इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर है कि वह इंग्लैंड की शाही शासक है। अपने गद्दार चाचा वोटिग्रेन के सिंहासन पर कब्जा करने
के लगभग 2 दशक बाद आर्थर अब एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जादुई बोल्डर एक्सकैलिबर के पौराणिक और लंबे समय से खोए हुए ब्लेड को बाहर निकाल सकता है। हालांकि वॉटिग्रेयर उसे पहचानने और फिर उसे रोकने पर तुले हुए है। क्या दुष्ट अत्याचारी आर्थर के असली भाग के रास्ते में आड़े आ सकता है? चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं कि आर्थर मूवी के बारे में। किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड ये 2017 एपिक फैंटास्टिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं गाय रिची और इसे स्क्रीन पर दिए जॉबी हैरोल्ड, गाय रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टोरी दिए डेविड डॉबकिन, जॉबी हैरोल्ड और इसे प्रोड्यूस किए अकीवा गोल्डमैन, जॉबी हैरोल्ड, टॉरी टनल, स्टीव क्लार्क हॉल, गाय रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टारिंग दिए चार्ली हडम, स्ट्रीड बैगर्स, फ्रिशे जिमोन हॉर्शो, एडन गिलेन, जूड जूड लो, एरिक बर्न और इसे सिनेमेटोग्राफी दिया जॉन मैथिसन और इसे एडिट किया जेम्स हर्बर्ट, इसे म्यूजिक दिया डैनियल पैम्बर्टन और इसे प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, वीड रोड पिक्चर, सेफ हाउस पिक्चर, रिची विक्रम प्रोडक्शन, विलेज रोड शो पिक्चर। इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर अंतर्राष्ट्रीय रोड शो फिल्म, इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका रिलीज डेट है 8 मई 2017 और TCL चीनी रंगमंच और 12 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका, 19 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम और ये इसका रनिंग टाइम हमारा 26 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में बनी हुई फिल्म है। इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और इसका बजट है 175 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 148.7 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। चार्ली हर्डम राज आर्थर के रूप में, एसी डर्ट बर्ग बैगर्स फिश में द मैसेज मैच के रूप में, डिजिमोन हाउसॉ के रूप में सर बेडीवेयर, एडन गिलेन गुस्फेट बिल के रूप में, गैब्रिडा के रूप में मिकेल पर्सब्रांड के रूप में, वॉटिगन उत्तर के भाई एल्सा के पति, एरिका बार उत्तर पैडगन के रूप में, मैगी के रूप में एनाबेल वालिश, किगशले बैद आदिर वेट स्टिक के बैकलैक के रूप में, दिल मस्कैल जो बैल सरारत जॉन के रूप में, रूबियो के रूप में फ्रेडी फॉक्स, लॉरेन ब्रूस एल लाइन पावल, राजकुमारी कैटिया के रूप में मिली ब्रेडी, पॉपी डेलेविगन रूप इगेरा, कुंग फू जॉर्ज के रूप में टॉम वो, पारसी के रूप में क्रेक मैक कीनेल, पुराने नमकीन समुद्र कुत्ते सर के मछुआरे के रूप में टीक ऑच पोख, जैक की आँख के रूप में माइकल मैक लहटा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम किंग आर्थर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। अपने जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित आर्थर शहर की पिछली गलियों में कठिन रास्ते पर आता है, लेकिन एक बार जब वह पत्थर से तलवार खींच लेता है तो उसे अपनी असली विरासत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। राजा आर्थर क्यू दंती का एक वैकल्पिक संस्करण एक लड़के के रूप में आर्थर अपने पिता राजा उत्थर पैडग्रेन
के बाद अनाथ हो गया और वो टिग्रेन द्वारा उनके खिलाफ छेड़े गए युद्ध में माँ की हत्या कर दी गई, जो तब सिंहासन ग्रहण करता है। आर्थर भाग जाता है और एक वैश्यालय में पड़ा बला बढ़ा है। उन्हें जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में बहुत कम जानता है। वो टिग्रीन चाहता है कि मार्थर मर जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सिंहासन का कोई दावेदार ना हो। क्यों दंतिया भविष्यवाणी करती है कि केवल अगला राजा ही उस चट्टान से एक्सेलिबुर उत्थर की तलवार खींचने में सक्षम होगा जहां इशेरा खा गया है। इसलिए आर्थर की पहचान करने के प्रयास में वोटिग्रेन ने आर्थर की उम्र के सभी युवकों को तलवार निकालने का प्रयास करने के लिए मजबूर किया। अब आर्थर की बारी है। मॉडेड एक लोहे की मुट्ठी वाला युद्धपोत है और उसकी सेना ने मानव जाति पर जादू टोन वाले मेग एस का प्रभुत्व स्थापित करने की मांग करते हुए कैमलॉट को घेर लिया। ब्रिटेन के राजा उथर पैटग्रेन ने मॉडेड की मात में घुसपैठ की और गैमलॉट को बचाते हुए उसका सिर काट दिया। उथर के विश्वासघाती छोटे भाई वोटिगर्न, जो सिंहासन की लालसा करते हैं, एक तख्ता पलट करते हैं और अपनी पत्नी एल्सा को एक दानव सूरवीर बनने के लिए घास काटने के लिए बलिदान करते हैं, जो उत्थर की पत्नी इग्रेन को मारते हैं और युद्ध में उत्थर को मारता है। एकमात्र उत्तर जीवी उत्थर का बेटा आर्थर है, जो एक नाव में बहता है और लॉर्डिनियम में समाप्त होता है। लॉर्डिनियम की उबड़ खाबड़ और खतरनाक सड़कों पर अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष करते हुए अनाथ युवा सेनानी और उत्थर पैडेग्रेन का इकलौता बेटा आर्थर इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर है कि वह इंग्लैंड की शाही शासक है। अपने गद्दार चाचा वोटिग्रेन के सिंहासन पर कब्जा करने के लगभग 2 दशक बाद आर्थर अब एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जादुई बोल्डर एक्सकैलिबर के पौराणिक और लंबे समय से खोए हुए ब्लेड को बाहर निकाल सकता है। हालांकि वोटिग्रेन उसे पहचानने और फिर उसे रोकने पर तुले हुए हैं। क्या दुष्ट अत्याचारी आर्थर के असली भाग के रास्ते में आड़े आ सकता है? चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं कि आर्थर मूवी के बारे में। किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड ये 2017 एपिक फैंटास्टिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं गाई रिची और इसे स्क्रीन पर दिए जॉबी हैरोल्ड, गाई रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टोरी दिए डेविड डॉगिन, जॉबी हैरोल्ड और इसे प्रोड्यूस किए अकीवा गोल्डमैन, जॉबी हैरोल्ड, टॉरी टनल, स्टीव क्लार्क हॉल, गाई रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टारिंग दिए चार्ली हडम, स्ट्रीड बैगर्स, फ्रिशेब, जिमोन हर्शो, एडन गिलेन, जूड लो, एरिक बर्न और इसे सिनेमेटोग्राफी दिया जॉन मैथिसन और इसे रेट किया जेम्स हर्बर्ट, इसे म्यूजिक दिया डैनियल पैम्बर्टन और इसे प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, वीड रोड पिक्चर, सेफ हाउस पिक्चर, रिची विक्रम प्रोडक्शन, विलेज रोड शो पिक्चर, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर अंतर्राष्ट्रीय और रोड शो फिल्म, इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका रिलीज डेट है 8 मई 2017 और TCL
चीनी रंगमंच, और 12 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका, 19 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम, और ये इसका रनिंग टाइम हमारा 26 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में बनी हुई फिल्म है। इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और इसका बजट है 175 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 148.7 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। चार्ली हार्डम राज आर्थर के रूप में, एसिडर्ड बर्ग बैगर्स फिश में द मैसेज मैच के रूप में, डिजिमोन हाउसो के रूप में सर बेडीवेयर, एडन गीलन घुसफैट बिल के रूप में, गैब्रिडर के रूप में मिकेल पर्स ब्रांड के रूप में, वॉटिगर्ड उत्तर के भाई एल्सा के पति, एरिका बार उत्तर पैडगन के रूप में, मैगी के रूप में एनाबेल वालिश की, गिशले बैद आदिर वेट स्टिक के बैक लेग के रूप में, दिल मस्कैल जो बैल सरारत जॉन के रूप में, रूबियो के रूप में फ्रेडी फॉक्स, लॉरेन ब्रूस एल लाइन पावल, राजकुमारी कैटिया के रूप में मिली ब्रेडी, पॉपी डेलेविगन रूप इगेराइन, कुंगफू जॉर्ज के रूप में टॉम वो, पारसी के रूप में क्रेक मैक कीनेल, पुराने नमकीन समुद्र कुत्ते सर के मछुआरे के रूप में टीक ऑच पोख, जैक की आँख के रूप में माइकल मैक लेहटा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम किंग आर्थर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। अपने जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित आर्थर शहर की पिछली गलियों में कठिन रास्ते पर आता है, लेकिन एक बार जब वह पत्थर से तलवार खींच लेता है तो उसे अपनी असली विरासत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। राजा आर्थर किंवदंती का एक वैकल्पिक संस्करण, एक लड़के के रूप में आर्थर अपने पिता राजा उत्तर पैडग्रेन के बाद अनाथ हो गया और वो टिग्रेन द्वारा उनके खिलाफ छेड़े गए युद्ध में मां की हत्या कर दी गई, जो तब सिंहासन ग्रहण करता है। आर्थर भाग जाता है और एक वैश्यालय में पड़ा बला बढ़ा है। अपने जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में बहुत कम जानता है। वो टिग्रेन चाहता है कि मार्थर मर जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिंहासन का कोई दावेदार ना हो। किंवदंतिया भविष्यवाणी करती है कि केवल अगला राजा ही उस चट्टान से एक्सेलिबुर उत्तर की तलवार खींचने में सक्षम होगा जहां इसे रखा गया है। इसलिए आर्थर की पहचान करने के प्रयास में वॉटिग्रेन ने आर्थर की उम्र के सभी युवकों को तलवार निकालने का प्रयास करने के लिए मजबूर किया। अब आर्थर की बारी है। मॉडेड एक लोहे की मुट्ठी वाला युद्धपोत है और उसकी सेना ने मानव जाति पर जादू टोन वाले मेग एस का प्रभुत्व स्थापित करने की मांग करते हुए कैमलॉट को घेर लिया। ब्रिटेन के राजा उत्तर पैडग्रेन ने मॉडर्ड की मात में घुसपैठ की और गैमलॉट को बचाते हुए उसका सिर काट दिया। उत्तर के विश्वासघाती छोटे भाई वॉटिगर्न जो सिंहासन की लालसा करते हैं एक तख्ता पलट करते हैं और अपनी पत्नी एल्सा को एक दानव सूरवीर बनने के लिए घास काटने के लिए बलिदान करते हैं, जो उत्थर की पत्नी इग्रेन को मारते हैं और युद्ध में उत्थर को मारता है।
एकमात्र उत्तरजीवी उत्तर का बेटा आर्थर है, जो एक नाव में बहता है और लॉर्डिनियम में समाप्त होता है। लॉर्डिनियम की उबड़ खाबड़ और खतरनाक सड़कों पर अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष करते हुए अनाथ युवा सेनानी और उत्तर पैडेग्रेन का इकलौता बेटा आर्थर इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर है कि वह इंग्लैंड की शाही शासक है। अपने गद्दार चाचा वोर्टिग्रेन के सिंहासन पर कब्जा करने के लगभग 2 दशक बाद आर्थर अब एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जादुई बोल्डर एक्सकैलिबर के पौराणिक और लंबे समय से खोए हुए ब्लेड को बाहर निकाल सकता है। हालांकि वोर्टिग्रेन उसे पहचानने और फिर उसे रोकने पर तुले हुए हैं। क्या दुष्ट अत्याचारी आर्थर के असली भाग के रास्ते में आड़े आ सकता है? चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं कि आर्थर मूवी के बारे में। किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड ये 2017 एपिक फैंटास्टिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं गाय रिची और इसे स्क्रीन पर दिए जॉबी हैरोल्ड, गाय रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टोरी दिए डेविड डॉगिन, जॉबी हैरोल्ड और इसे प्रोड्यूस किए अकीवा गोल्डमैन, जॉबी हैरोल्ड, टॉरी टनल, स्टीव क्लार्क हॉल, गाय रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टारिंग दिए चार्ली हडम, स्ट्रीड बैगर्स, फ्रीशेप, जिमोन हर्शो, एडन गिलेन, जूड लो, एरिक बर्न और इसे सिनेमेटोग्राफी दिए जॉन मैथिसन और इसे एडिट किए जेम्स हर्बर्ट, इसे म्यूजिक दिए डैनियल पैम्बर्टन और इसे प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, वीड रोड पिक्चर, सेफ हाउस पिक्चर, रिची विक्रम प्रोडक्शन, विलेज रोड शो पिक्चर। इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर अंतर्राष्ट्रीय और रोड शो फिल्म इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका रिलीज डेट है 8 मई 2017 और TCL चीनी रंगमंच और 12 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका, 19 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम और ये इसका रनिंग टाइम 126 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में बनी हुई फिल्म है। इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और इसका बजट है 175 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 148.7 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। चार्ली हर्डम राज आर्थर के रूप में, एसिडर्ट बर्ग बैगर्स फिश में द मैसेज मैज के रूप में, डिजिमोन हाउसॉ के रूप में सर बेडीवेयर, एडन गिलेन घुसफैट बिल के रूप में, गैब्रिडा के रूप में मिकेल पर्स ब्रांड के रूप में, वोर्टिगर्न उत्तर के भाई एल्सा के पति, एरिका बाना उत्तर पैड्रगन के रूप में, मैगी के रूप में एनाबेल वालिश, की गिशले बैद आदिर वेट स्टिक के बैक लेग के रूप में, दिल मस्कैल, जो बैल सरारत जॉन के रूप में, रूबियो के रूप में फ्रेडी फॉक्स, लॉरेन ब्रूस, एल लाइन पावल, राजकुमारी कैटिया के रूप में मिली ब्रेडी, पॉपी डेलेविगन रूप इगेरा, कुंगफू जॉर्ज के रूप में टॉम वो, पारसी के रूप में क्रेक मैक कीनेल, पुराने नमकीन समुद्र कुत्ते, सर के मछुआरे के रूप में टीक ऑच पोख, जैक की आँख के रूप में माइकल मैक लहटा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हेलो फ्रेंड्स, आज हम किंग आर्थर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। अपने जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित आर्थर शहर की पिछली गलियों में कठिन रास्ते पर आता है, लेकिन एक बार जब वह पत्थर से तलवार खींच लेता है तो उसे अपनी असली विरासत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। राजा आर्थर किंवदंती का एक वैकल्पिक संस्करण एक लड़के के रूप में आर्थर अपने पिता राजा उत्तर पैडग्रेन के बाद अनाथ हो गया और वोटिग्रेन द्वारा उनके खिलाफ छेड़े गए युद्ध में मां की हत्या कर दी गई, जो तब सिंहासन ग्रहण करता है। आर्थर भाग जाता है और एक वैश्यालय में पड़ा बला बढ़ा है। अपने जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में बहुत कम जानता है। वो टिग्रीन चाहता है कि मार्थर मर जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सिंहासन का कोई दावेदार ना हो। क्यों दंतिया भविष्यवाणी करती है कि केवल अगला राजा ही उस चट्टान से एक्सेलिबुर उत्तर की तलवार खींचने में सक्षम होगा जहां इसे रखा गया है। इसलिए आर्थर की पहचान करने के प्रयास में वोटिग्रेन ने आर्थर की उम्र के सभी युवकों को तलवार निकालने का प्रयास करने के लिए मजबूर किया। अब आर्थर की बारी है। मॉडेड एक लोहे की मुट्ठी वाला युद्ध पोत है और उसकी सेना ने मानव जाति पर जादू टोन वाले मेग एस का प्रभुत्व स्थापित करने की मांग करते हुए कैमलॉट को घेर लिया। ब्रिटेन के राजा उत्तर पैडग्रेन ने मॉडेड की मात में घुसपैठ की और गैमलॉट को बचाते हुए उसका सिर काट दिया। उत्तर के विश्वासघाती छोटे भाई वोटिग्रेन, जो सिंहासन की लालसा करते हैं, एक तख्ता पलट करते हैं और अपनी पत्नी एल्सा को एक दानव सूरवीर बनने के लिए घास काटने के लिए बलिदान करते हैं, जो उत्तर की पत्नी इग्रेन को मारते हैं और युद्ध में उत्तर को मारता है। एकमात्र उत्तर जीवी उत्तर का बेटा आर्थर है, जो एक नाव में बहता है और लॉर्डिनियम में समाप्त होता है। लॉर्डिनियम की उबड़ खाबड़ और खतरनाक सड़कों पर अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष करते हुए अनाथ युवा सेनानी और उत्तर पैडग्रेन का इकलौता बेटा आर्थर इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर है कि वह इंग्लैंड की शाही शासक है, अपने गद्दार चाचा वोटिग्रेन के सिंहासन पर कब्जा करने के लगभग दो दशक बाद आर्थर अब एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जादुई बोल्डर एक्सकैलिबर के पौराणिक और लंबे समय से खोए हुए ब्लेड को बाहर निकाल सकता है। हालांकि वोटिग्रेन उसे पहचानने और फिर उसे रोकने पर तुले हुए हैं। क्या दुष्ट अत्याचारी आर्थर के असली भाग के रास्ते में आड़े आ सकता है? चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं कि आर्थर मूवी के बारे में। किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड ये 2017 एपिक फैंटास्टिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं गाय रिची और इसे स्क्रीन पर दिए जॉबी हैरोल्ड, गाय रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टोरी दिए डेविड डॉब की जॉबी हैरोल्ड और इसे प्रोड्यूस किए अकीवा गोल्डमैन, जॉबी हैरोल्ड, टॉरी टनल, स्टीव क्लार्क हॉल, गाय रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टारिंग दिए चार्ली हडम, स्ट्रीड बैगर्स, फ्रिशे जिमोन हॉर्शो, एडन गिलेन, जूड जूड लो, एरिक
एरिक बर्ना और इसे सिनेमेटोग्राफी दिया जॉन मैथिसन और इसे एडिट किया जेम्स हर्बर्ट, इसे म्यूजिक दिए डैनियल पैम्बर्टन और इसे प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, वीड रोड पिक्चर, सेफ हाउस पिक्चर, रिची विक्रम प्रोडक्शन, विलेज रोड शो पिक्चर। इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर अंतर्राष्ट्रीय रोड शो फिल्म, इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका रिलीज डेट है 8 मई 2017 और TCL चीनी रंगमंच और 12 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका, 19 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम और ये इसका रनिंग टाइम हमारा 26 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में बनी हुई फिल्म है। इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और इसका बजट है 175 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 148.7 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। चार्ली हर्डम राज आर्थर के रूप में, एसी डर्ट बर्ग बैगर्स फिश में द मैसेज मैच के रूप में, डिजिमोन हाउसॉ के रूप में सर बेडीवेयर, एडन गीलन गुस्फैट बिल के रूप में, गैब्रिडा के रूप में मिकेल पर्सब्रांड के रूप में, वॉटिगर्न उत्तर के भाई एल्सा के पति, एरिका बार उत्तर पैडगन के रूप में, मैगी के रूप में एनाबेल वालिश, किगिशले बैद आदिर वेट स्टिक के बैकलैक के रूप में, दिल मस्कैल जो बैल सरारत जॉन के रूप में, रूबियो के रूप में फ्रेडी फॉक्स, लॉरेन ब्रूस एल लाइन पावल, राजकुमारी कैटिया के रूप में मिली ब्रेडी, पॉपी डेलेविगन रूप इगेरा, कुंगफू जॉर्ज के रूप में टॉम वो, पारसी के रूप में क्रेक मैक कीनेल, पुराने नमकीन समुद्र कुत्ते, सर के मछुआरे के रूप में टीक ऑच पोख, जैक की आँख के रूप में माइकल मैक लेहटा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम किंग आर्थर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। अपने जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित आर्थर शहर की पिछली गलियों में कठिन रास्ते पर आता है, लेकिन एक बार जब वह पत्थर से तलवार खींच लेता है तो उसे अपनी असली विरासत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। राजा आर्थर क्यू दंती का एक वैकल्पिक संस्करण एक लड़के के रूप में आर्थर अपने पिता राजा उत्तर पैडग्रेन के बाद अनाथ हो गया और वॉटिगर्न द्वारा उनके खिलाफ छेड़े गए युद्ध में मां की हत्या कर दी गई, जो तब सिंहासन ग्रहण करता है। आर्थर भाग जाता है और एक वैश्यालय में पड़ा बला बढ़ा है। अपने जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में बहुत कम जानता है। वॉटिगर्न चाहता है कि मार्थर मर जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सिंहासन का कोई दावेदार ना हो। क्यों दंतिया भविष्यवाणी करती है कि केवल अगला राजा ही उस चट्टान से एक्सेलिबुर उत्तर की तलवार खींचने में सक्षम होगा जहां इसे रखा गया है। इसलिए आर्थर की पहचान करने के प्रयास में वॉटिगर्न ने आर्थर की उम्र के सभी युवकों को तलवार निकालने का प्रयास करने के लिए मजबूर किया। अब आर्थर की बारी है। मॉडेड एक लोहे की मुट्ठी वाला युद्धपोत है और उसकी सेना ने मानव जाति पर जादू टोन वाले मेग एस का प्रभुत्व स्थापित करने की मांग करते हुए कैमलॉट को घेर लिया। ब्रिटेन के राजा उत्तर पैडग्रेन ने मॉडर्ड की मात में घुसपैठ की और
गैमलॉट को बचाते हुए उसका सिर काट दिया। उथर के विश्वासघाती छोटे भाई वॉटिगर्ड, जो सिंहासन की लालसा करते हैं, एक तख्ता पलट करते हैं और अपनी पत्नी एल्सा को एक दानव सूरवीर बनने के लिए घास काटने के लिए बलिदान करते हैं, जो उत्थर की पत्नी इग्रेन को मारते हैं और युद्ध में उत्थर को मारता है। एकमात्र उत्तर जीवी उत्थर का बेटा आर्थर है, जो एक नाव में बहता है और लॉर्डिनियम में समाप्त होता है। लॉर्डिनियम की उबड़ खाबड़ और खतरनाक सड़कों पर अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष करते हुए अनाथ युवा सेनानी और उत्थर पैडेग्रेन का इकलौता बेटा आर्थर इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर है कि वह इंग्लैंड की शाही शासक है, अपने गद्दार चाचा वॉटिग्रेन के सिंहासन पर कब्जा करने के लगभग 2 दशक बाद आर्थर अब एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जादुई बोल्डर एक्सकैलिबर के पौराणिक और लंबे समय से खोए हुए ब्लेड को बाहर निकाल सकता है। हालांकि वॉटिग्रेन उसे पहचानने और फिर उसे रोकने पर तुले हुए हैं। क्या दुष्ट अत्याचारी आर्थर के असली भाग के रास्ते में आड़े आ सकता है? चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं कि आर्थर मूवी के बारे में। किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड ये 2017 एपिक फैंटास्टिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं गाई रिची और इसे स्क्रीन पर दिए जॉबी हैरोल्ड, गाई रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टोरी दिए डेविड डॉब की जॉबी हैरोल्ड और इसे प्रोड्यूस किए अकीवा गोल्डमैन, जॉबी हैरोल्ड, टॉरी टनल, स्टीव क्लार्क हॉल, गाई रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टारिंग दिए चार्ली हडम, स्ट्रीड बैगर्स, फ्रिशेब, जिमोन हर्शो, एडन गिलेन, जूड लो, एरिक बर्न और इसे सिनेमेटोग्राफी दिया जॉन मैथिसन और इसे रेट किया जेम्स हर्बर्ट, इसे म्यूजिक दिया डैनियल पैम्बर्टन और इसे प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, वीड रोड पिक्चर, सेफ हाउस पिक्चर, रिची विक्रम प्रोडक्शन, विलेज रोड शो पिक्चर, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर अंतर्राष्ट्रीय और रोड शो फिल्म, इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसका रिलीज डेट है 8 मई 2017 और TCL चीनी रंगमंच और 12 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका, 19 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम और ये इसका रनिंग टाइम 126 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में बनी हुई फिल्म है। इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और इसका बजट है 175 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 148.7 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। चार्ली हर्डम राज आर्थर के रूप में, एसिडर्ड बर्ग बैगर्स फिश में, द मैसेज मैच के रूप में, डिजिमोन हाउसो के रूप में सर बेडीवेयर, एडन गिलेन घुसफैट बिल के रूप में, गैब्रिडर के रूप में, मिकेल पर्स ब्रांड के रूप में, वॉटिगर्ड उत्तर के भाई एल्सा के पति, एरिका बार उत्तर पैड्रगन के रूप में, मैगी के रूप में, एनाबेल वालिश की गिशले बैद आदिर वेट स्टिक के बैक लेग के रूप में, दिल मस्कैल जो बैल सरारत जॉन के रूप में, रूबियो के रूप में, फ्रेडी फॉक्स, लॉरेन ब्रूस, एल लाइन पावले, राजकुमारी कैटिया के रूप में, मिली ब्रेडी, पॉपी डेलेविगन रूप इगेरा
कुंग फू जॉर्ज के रूप में टॉम हुआ, पारसी के रूप में क्रेक मैक कीनेल, पुराने नमकीन समुद्र कुत्ते, शहर के मछुआरे के रूप में डिक ऑच बोक, जैक की आँख के रूप में माइकल मैक लेहटा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम किंग आर्थर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। अपने जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित आर्थर शहर की पिछली गलियों में कठिन रास्ते पर आता है, लेकिन एक बार जब वह पत्थर से तलवार खींच लेता है तो उसे अपनी असली विरासत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। राजा आर्थर किंवदंती का एक वैकल्पिक संस्करण। एक लड़के के रूप में आर्थर अपने पिता राजा उत्तर पैडग्रेन के बाद अनाथ हो गया और वो टिग्रेन द्वारा उनके खिलाफ छेड़े गए युद्ध में मां की हत्या कर दी गई, जो तब सिंहासन ग्रहण करता है। आर्थर भाग जाता है और एक वैश्यालय में पड़ा बला बढ़ा है। अपने जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में बहुत कम जानता है। वो टिग्रीन चाहता है कि मार्थर मर जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिंहासन का कोई दावेदार ना हो। क्यों दंतिया भविष्यवाणी करती है कि केवल अगला राजा ही उस चट्टान से एक्सेलिबुर उत्तर की तलवार खींचने में सक्षम होगा जहां इसे रखा गया है। इसलिए आर्थर की पहचान करने के प्रयास में वॉटिग्रेन ने आर्थर की उम्र के सभी योगों को तलवार निकालने का प्रयास करने के लिए मजबूर किया। अब आर्थर की बारी है। मॉडेड एक लोहे की मुट्ठी वाला युद्धपोत है और उसकी सेना ने मानव जाति पर जादू टोन वाले मेग एस का प्रभुत्व स्थापित करने की मांग करते हुए कैमलॉट को घेर लिया। ब्रिटेन के राजा उत्तर पैडग्रेन ने मॉडर्ड की मात में घुसपैठ की और गैमलॉट को बचाते हुए उसका सिर काट दिया। उत्तर के विश्वासघाती छोटे भाई वॉटिगन जो सिंहासन की लालसा करते हैं एक तख्ता पलट करते हैं और अपनी पत्नी एल्सा को एक दानव सूरवीर बनने के लिए घास काटने के लिए बलिदान करते हैं, जो उत्तर की पत्नी इग्रेन को मारते हैं और युद्ध में उत्तर को मारता है। एकमात्र उत्तर जीवी उत्तर का बेटा आर्थर है जो एक नाव में बहता है और लॉर्डिनियम में समाप्त होता है। लॉर्डिनियम की उबड़ खाबड़ और खतरनाक सड़कों पर अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष करते हुए अनाथ युवा सेनानी और उत्तर पैडग्रेन का इकलौता बेटा आर्थर इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर है कि वह इंग्लैंड की शाही शासक है। अपने गद्दार चाचा वॉटिग्रेन के सिंहासन पर कब्जा करने के लगभग दो दशक बाद आर्थर अब एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जादुई बोल्डर एक्सकैलिबर के पौराणिक और लंबे समय से खोए हुए ब्लेड को बाहर निकाल सकता है। हालांकि वॉटिग्रेन उसे पहचानने और फिर उसे रोकने पर तुले हुए हैं। क्या दुष्ट अत्याचारी आर्थर के असली भाग के रास्ते में आड़े आ सकता है? चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं कि आर्थर मूवी के बारे में। किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड ये 2017 एपिक फैंटास्टिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं गाई रिची और इसे स्क्रीन पर दिए जॉबी हैरोल्ड, गाई रिची,
लियोनेल विक्रम, ऐसे स्टोरी दिए डेविड डॉब की, जॉबी हैरोल्ड, ऐसे प्रोड्यूस किए अकीवा गोल्ड्समैन, जॉबी हैरोल्ड, टॉरी टनल, स्टीव क्लार्क हॉल, गाय रिची, लियोनेल विक्रम, ऐसे स्टारिंग दिए चार्ली हडम, स्ट्रीड बैगर्स, फ्रीशेप, जिमोन हर्शो, एडन गिलेन, जूड जूड लो, एरिक बन, और इसे सिनेमेटोग्राफी दिए जॉन मैथिसन, और इसे एडिट किए जेम्स हर्बर्ट, इसे म्यूजिक दिए डैनियल पैम्बर्टन, और इसे प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, वीड रोड पिक्चर, सेफ हाउस पिक्चर, रिची विक्रम प्रोडक्शन, विलेज रोड शो पिक्चर, इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर अंतर्राष्ट्रीय रोड शो फिल्म, इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसका रिलीज डेट है 8 मई 2017, और TCL चीनी रंगमंच, और 12 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका, 19 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम, और ये इसका रनिंग टाइम 126 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में बनी हुई फिल्म है। इसका लैंग्वेज है इंग्लिश, और इसका बजट है 175 मिलियन डॉलर, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 148.7 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। चार्ली हर्डम राज आर्थर के रूप में, एसिडर्ट बर्ग बैगर्स फिश में द मैसेज मैच के रूप में, डिजिमोन हाउसो के रूप में सर बेडीवेयर, एडन गिलेन घुसफैट बिल के रूप में, गैब्रिडा के रूप में मिकेल पर्स ब्रांड के रूप में, वॉटिगर्न उत्तर के भाई एल्सा के पति, एरिका बाना उत्तर पैडगन के रूप में, मैगी के रूप में एनाबेल वालिश, की गिशले बैद आदिर वेट स्टिक के बैक लेग के रूप में, दिल मस्कैल, जो बैल सरारत जॉन के रूप में, रूबियो के रूप में फ्रेडी फॉक्स, लॉरेन ब्रूस एल लाइन पावल, राजकुमारी कैटिया के रूप में मिली ब्रेडी, पॉपी डेलेविगन रूप इगेरा, कुंगफू जॉर्ज के रूप में टॉम वो, पारसी के रूप में क्रेक मैक कीनेल, पुराने नमकीन समुद्र कुत्ते सर के मछुआरे के रूप में टीक ऑच पोक, जैक की आँख के रूप में माइकल मैक लेहटा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम किंग आर्थर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। अपने जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित आर्थर शहर की पिछली गलियों में कठिन रास्ते पर आता है, लेकिन एक बार जब वह पत्थर से तलवार खींच लेता है तो उसे अपनी असली विरासत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। राजा आर्थर क्यू दंती का एक वैकल्पिक संस्करण एक लड़के के रूप में आर्थर अपने पिता राजा उत्तर पैडग्रेन के बाद अनाथ हो गया, और वॉटिग्रेन द्वारा उनके खिलाफ छेड़े गए युद्ध में मां की हत्या कर दी गई, जो तब सिंहासन ग्रहण करता है। आर्थर भाग जाता है और एक वैश्यालय में पड़ा बला बढ़ा है। अपने जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में बहुत कम जानता है। वो टिग्रीन चाहता है कि मार्थर मर जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सिंहासन का कोई दावेदार ना हो। क्यों दतिया भविष्यवाणी करती है कि केवल अगला राजा ही उस चट्टान से एक्सेलिबुर उत्तर की तलवार खींचने में सक्षम होगा जहां इसे रखा गया है। इसलिए आर्थर की पहचान करने के प्रयास में
वॉटिग्रेन ने आर्थर की उम्र के सभी युवकों को तलवार निकालने का प्रयास करने के लिए मजबूर किया। अब आर्थर की बारी है। मॉडेड एक लोहे की मुट्ठी वाला युद्ध पोत है और उसकी सेना ने मानव जाति पर जादू टोन वाले मेग एस का प्रभुत्व स्थापित करने की मांग करते हुए कैमलॉट को घेर लिया। ब्रिटेन के राजा उथर पैटग्रेन ने मॉडेड की मात में घुसपैठ की और कैमलॉट को बचाते हुए उसका सिर काट दिया। उथर के विश्वासघाती छोटे भाई वॉटिगर्न जो सिंहासन की लालसा करते हैं एक तख्ता पलट करते हैं और अपनी पत्नी एल्सा को एक दानव सूरवीर बनने के लिए घास काटने के लिए बलिदान करते हैं जो उत्थर की पत्नी इग्रेन को मारते हैं और युद्ध में उत्थर को मारता है। एकमात्र उत्तर जीवी उत्थर का बेटा आर्थर है जो एक नाव में बहता है और लॉर्डिनियम में समाप्त होता है। लॉर्डिनियम की उबड़ खाबड़ और खतरनाक सड़कों पर अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष करते हुए अनाथ युवा सेनानी और उत्थर पैडेग्रेन का इकलौता बेटा आर्थर इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर है कि वह इंग्लैंड की शाही शासक है। अपने गद्दार चाचा वॉटिग्रेन के सिंहासन पर कब्जा करने के लगभग दो दशक बाद आर्थर अब एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जादुई बोल्डर एक्सकैलिबर के पौराणिक और लंबे समय से खोए हुए ब्लेड को बाहर निकाल सकता है। हालांकि वॉटिग्रेन उसे पहचानने और फिर उसे रोकने पर तुले हुए हैं। क्या दुष्ट अत्याचारी आर्थर के असली भाग के रास्ते में आड़े आ सकता है? चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं कि आर्थर मूवी के बारे में। किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड ये 2017 एपिक फैंटास्टिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं गाय रिची और इसे स्क्रीन पर दिए जॉबी हैरोल्ड, गाय रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टोरी दिए डेविड डॉगिन, जॉबी हैरोल्ड और इसे प्रोड्यूस किए अकीवा गोल्डमैन, जॉबी हैरोल्ड, टॉरी टनल, स्टीव क्लार्क हॉल, गाय रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टारिंग दिए चार्ली हडम, स्ट्रीड बैगर्स, फ्रिशे जिमोन हॉर्शो, एडन गिलेन, जूड लो, एरिक बर्न और इसे सिनेमेटोग्राफी दिए जॉन मैथिसन और इसे एडिट किए जेम्स हर्बर्ट, इसे म्यूजिक दिए डैनियल पैम्बर्टन और इसे प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, वीड रोड पिक्चर, सेफ हाउस पिक्चर, रिची विक्रम प्रोडक्शन, विलेज रोड शो पिक्चर, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर अंतर्राष्ट्रीय रोड शो फिल्म, इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसका रिलीज डेट है 8 मई 2017 और TCL चीनी रंगमंच और 12 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका, 19 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम और ये इसका रनिंग टाइम हमारा 26 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में बनी हुई फिल्म है। इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और इसका बजट है 175 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 148.7 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। चार्ली हर्डम राज आर्थर के रूप में, एसिडर्ट बर्ग बैगर्स फिश में द मैसेज मैच के रूप में, डिजिमोन हाउसॉ के रूप में सर बेडीवेयर, एडन गिलेन घुसपैठ बिल के रूप में, गैब्रिडा के रूप में मिकेल पर्स ब्रांड के रूप में,
वॉटिगर्ड उत्तर के भाई एल्सा के पति एरिका बार उत्तर पेड्रगेड के रूप में मैगी के रूप में एनाबेल वालिश की गिशले बैद आदिर वेट स्ट्रीक के बैक लेग के रूप में दिलमस कैल जो बेल सरारत जॉन के रूप में रूबियो के रूप में फ्रेडी फॉक्स लॉरेन ब्रूस एल लाइन पावल राजकुमारी कैटिया के रूप में मिली ब्रेडी पॉपी डेलेवीगन रूप इगेरा कुंगफू जॉर्ज के रूप में टॉम वो पारसी के रूप में क्रेक मैक कीनेल पुराने नमकीन समुद्र कुत्ते सर के मछुआरे के रूप में टीक ऑच पोख जैक की आँख के रूप में माइकल मैक लेहटा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम किंग आर्थर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। अपने जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित आर्थर शहर की पिछली गलियों में कठिन रास्ते पर आता है, लेकिन एक बार जब वह पत्थर से तलवार खींच लेता है तो उसे अपनी असली विरासत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। राजा आर्थर क्यू दंती का एक वैकल्पिक संस्करण एक लड़के के रूप में आर्थर अपने पिता राजा उत्तर पैडग्रेन के बाद अनाथ हो गया और वो टिग्रेन द्वारा उनके खिलाफ छेड़े गए युद्ध में मां की हत्या कर दी गई, जो तब सिंहासन ग्रहण करता है। आर्थर भाग जाता है और एक वैश्यालय में पड़ा बला बढ़ा है। अपने जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में बहुत कम जानता है। वो टिग्रेन चाहता है कि मार्थर मर जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सिंहासन का कोई दावेदार ना हो। क्यों दंतिया भविष्यवाणी करती है कि केवल अगला राजा ही उस चट्टान से एक्सेलिबुर उत्तर की तलवार खींचने में सक्षम होगा जहां इसे रखा गया है। इसलिए आर्थर की पहचान करने के प्रयास में वॉटिग्रेन ने आर्थर की उम्र के सभी युवकों को तलवार निकालने का प्रयास करने के लिए मजबूर किया। अब आर्थर की बारी है। मॉडेड एक लोहे की मुट्ठी वाला युद्धपोत है और उसकी सेना ने मानव जाति पर जादू टोन वाले मेग एस का प्रभुत्व स्थापित करने की मांग करते हुए कैमलॉट को घेर लिया। ब्रिटेन के राजा उत्तर पैडग्रेन ने मॉडर्ड की मात में घुसपैठ की और गैमलॉट को बचाते हुए उसका सिर काट दिया। उत्तर के विश्वासघाती छोटे भाई वॉटिगर्न जो सिंहासन की लालसा करते हैं एक तख्ता पलट करते हैं और अपनी पत्नी एल्सा को एक दानव सूरवीर बनने के लिए घास काटने के लिए बलिदान करते हैं, जो उत्थर की पत्नी इग्रेन को मारते हैं और युद्ध में उत्थर को मारता है। एकमात्र उत्तर जीवी उत्थर का बेटा आर्थर है, जो एक नाव में बहता है और लॉर्डिनियम में समाप्त होता है। लॉर्डिनियम की उबड़ खाबड़ और खतरनाक सड़कों पर अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष करते हुए अनाथ युवा सेनानी और उत्तर पैडग्रेन का इकलौता बेटा आर्थर इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर है कि वह इंग्लैंड की शाही शासक है। अपने गद्दार चाचा वॉटिग्रेन के सिंहासन पर कब्जा करने के लगभग दो दशक बाद आर्थर अब एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जादुई बोल्डर एक्सकैलिबर के पौराणिक और लंबे समय से खोए हुए ब्लेड को बाहर निकाल सकता है। हालांकि वॉटिग्रेन उसे पहचानने और फिर उसे रोकने पर तुले हुए हैं।
क्या दुष्ट अत्याचारी आर्थर के असली भाग के रास्ते में आड़े आ सकता है। चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं कि आर्थर मूवी के बारे में। किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड ये 2017 एपिक फैंटास्टिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं गाई रिची और इसे स्क्रीन पर दिए जॉबी हैरोल्ड, गाई रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टोरी दिए डेविड डॉब की जॉबी हैरोल्ड और इसे प्रोड्यूस किए अकीवा गोल्डमैन, जॉबी हैरोल्ड, टॉरी टनल, स्टीव क्लार्क हॉल, गाय रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टारिंग दिए चार्ली हडम, स्ट्रीड बैगर्स, फ्रिशेब, जिमोन हॉर्शो, एडन गिलेन, जूड जूड लो, एरिक बर्न और इसे सिनेमेटोग्राफी दिए जॉन मैथिसन और इसे एडिट किए जेम्स हर्बर्ट, इसे म्यूजिक दिए डैनियल पैम्बर्टन और इसे प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, वीड रोड पिक्चर, सेफ हाउस पिक्चर, रिची विक्रम प्रोडक्शन, विलेज रोड शो पिक्चर, इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर अंतर्राष्ट्रीय रोड शो फिल्म, इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका रिलीज डेट है 8 मई 2017 और TCL चीनी रंगमंच और 12 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका, 19 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम और ये इसका रनिंग टाइम 126 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में बनी हुई फिल्म है। इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और इसका बजट है 175 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 148.7 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। चार्ली हर्डम राज आर्थर के रूप में, एसिडर्ट बर्ग बैगर्स फिश में, द मैसेज मैच के रूप में, डिजिमोन हाउसो के रूप में सर बेडीवेयर, एडन गिलेन घुसफैट बिल के रूप में, गैब्रिडर के रूप में मिकेल पर्स ब्रांड के रूप में, वॉटिगर्ड उत्तर के भाई एल्सा के पति, एरिका बर्न उत्तर पैड्रगन के रूप में, मैगी के रूप में एनाबेल वालिश, की गिशले बैद आदिर वेट स्टिक के बैक लेग के रूप में, दिल मस्केल, जो बैल सरारत जॉन के रूप में, रूबियो के रूप में फ्रेडी फॉक्स, लॉरेन ब्रूस एल लाइन पावले, राजकुमारी कैटिया के रूप में मिली ब्रेडी, पॉपी डेलेविगन रूप इगेराइन, कुंगफू जॉर्ज के रूप में टॉम वो, पारसी के रूप में क्रेक मैक कीनेल, पुराने नमकीन समुद्र कुत्ते, सर के मछुआरे के रूप में टीक ऑच पोख, जैक की आँख के रूप में माइकल मैक लेहटा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम किंग आर्थर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। अपने जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित आर्थर शहर की पिछली गलियों में कठिन रास्ते पर आता है, लेकिन एक बार जब वह पत्थर से तलवार खींच लेता है तो उसे अपनी असली विरासत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। राजा आर्थर किंवदंती का एक वैकल्पिक संस्करण, एक लड़के के रूप में आर्थर अपने पिता राजा उत्तर पैडग्रेन के बाद अनाथ हो गया और वॉटिग्रेन द्वारा उनके खिलाफ छेड़े गए युद्ध में मां की हत्या कर दी गई, जो तब सिंहासन ग्रहण करता है। आर्थर भाग जाता है और एक वैश्यालय में पड़ा बला बढ़ा है।
अपने जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में बहुत कम जानता है। वो टिग्रीन चाहता है कि मार्थर मर जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिंहासन का कोई दावेदार ना हो। क्यों दतिया भविष्यवाणी करती है कि केवल अगला राजा ही उस चट्टान से एक्सेलिबुर उत्तर की तलवार खींचने में सक्षम होगा जहां इशेरा खा गया है। इसलिए आर्थर की पहचान करने के प्रयास में वोटिग्रेन ने आर्थर की उम्र के सभी योगों को तलवार निकालने का प्रयास करने के लिए मजबूर किया। अब आर्थर की बारी है। मॉडेड एक लोहे की मुट्ठी वाला युद्ध पोत है और उसकी सेना ने मानव जाति पर जादू टोन वाले मेग एस का प्रभुत्व स्थापित करने की मांग करते हुए कैमलॉट को घेर लिया। ब्रिटेन के राजा उथर पैटग्रेन ने मॉडेड की मात में घुसपैठ की और गैमलॉट को बचाते हुए उसका सिर काट दिया। उथर के विश्वासघाती छोटे भाई वोटिगर्न जो सिंहासन की लालसा करते हैं एक तख्ता पलट करते हैं और अपनी पत्नी एल्सा को एक दानव सूरवीर बनने के लिए घास काटने के लिए बलिदान करते हैं जो उत्थर की पत्नी इग्रेन को मारते हैं और युद्ध में उत्थर को मारता है। एकमात्र उत्तर जीवी उत्थर का बेटा आर्थर है जो एक नाव में बहता है और लॉर्डिनियम में समाप्त होता है। लॉर्डिनियम की उबड़ खाबड़ और खतरनाक सड़कों पर अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष करते हुए अनाथ युवा सेनानी और उत्थर पैडेग्रेन का इकलौता बेटा आर्थर इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर है कि वह इंग्लैंड की शाही शासक है। अपने गद्दार चाचा वोटिग्रेन के सिंहासन पर कब्जा करने के लगभग 2 दशक बाद आर्थर अब एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जादुई बोल्डर एक्सकैलिबर के पौराणिक और लंबे समय से खोए हुए ब्लेड को बाहर निकाल सकता है। हालांकि वोटिग्रेन उसे पहचानने और फिर उसे रोकने पर तुले हुए हैं। क्या दुष्ट अत्याचारी आर्थर के असली भाग के रास्ते में आड़े आ सकता है? चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं कि आर्थर मूवी के बारे में। किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड ये 2017 एपिक फैंटास्टिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं गाय रिची और इसे स्क्रीन पर दिए जॉबी हैरोल्ड, गाय रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टोरी दिए डेविड डॉगिन, जॉबी हैरोल्ड और इसे प्रोड्यूस किए अकीवा गोल्डमैन, जॉबी हैरोल्ड, टॉरी टनल, स्टीव क्लार्क हॉल, गाय रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टारिंग दिए चार्ली हडम, स्ट्रीड बैगर्स, फ्रीशेप, जिमोन हर्शो, एडन गिलेन, जूड लो, एरिक बर्न और इसे सिनेमेटोग्राफी दिए जॉन मैथिसन और इसे एडिट किए जेम्स हर्बर्ट, इसे म्यूजिक दिए डैनियल पैम्बर्टन और इसे प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, वीड रोड पिक्चर, सेफ हाउस पिक्चर, रिची विक्रम प्रोडक्शन, विलेज रोड शो पिक्चर। इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर अंतर्राष्ट्रीय रोड शो फिल्म, इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका रिलीज डेट है 8 मई 2017 और TCL चीनी रंगमंच और 12 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका, 19 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम और ये इसका रनिंग टाइम 126 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में बनी हुई फिल्म है। इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और इसका बजट है 175 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 148.7 मिलियन डॉलर।
चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। चार्ली हार्डम राज आर्थर के रूप में, एसिडर्ड बर्ग बैगर्स फिश में द मैसेज मैज के रूप में, डिजिमोन हाउसॉ के रूप में सर बेनीवेयर, एडन गिलन घुसफैट बिल के रूप में, गैब्रिडा के रूप में मिकेल पर्स ब्रांड के रूप में, वॉटिगर्न उत्तर के भाई एल्सा के पति, एरिका बार उत्तर पैडगन के रूप में, मैगी के रूप में एनाबेल वालिश की गिशले बैद आदिर वेट स्टिक के, बैकलैक के रूप में दिल मस्कैल, जो बैल सरारत जॉन के रूप में रूबियो के रूप में फ्रेडी फॉक्स, लॉरेन ब्रूस एल लाइन पावल, राजकुमारी कैटिया के रूप में मिली ब्रेडी, पॉपी डेलेविगन रूप इगेरा, कुंगफू जॉर्ज के रूप में टॉम वो, पारसी के रूप में क्रेक मैक कीनेल, पुराने नमकीन समुद्र कुत्ते सर के मछुआरे के रूप में टीक ऑच पोख, जैक की आँख के रूप में माइकल मैक लेहटा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम किंग आर्थर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। अपने जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित आर्थर शहर की पिछली गलियों में कठिन रास्ते पर आता है, लेकिन एक बार जब वह पत्थर से तलवार खींच लेता है तो उसे अपनी असली विरासत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। राजा आर्थर क्यू दंती का एक वैकल्पिक संस्करण एक लड़के के रूप में आर्थर अपने पिता राजा उत्तर पैडग्रेन के बाद अनाथ हो गया और वॉटिग्रेन द्वारा उनके खिलाफ छेड़े गए युद्ध में मां की हत्या कर दी गई, जो तब सिंहासन ग्रहण करता है। आर्थर भाग जाता है और एक वैश्यालय में पड़ा बला बढ़ा है। अपने जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में बहुत कम जानता है। वॉटिग्रेन चाहता है कि मार्थर मर जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सिंहासन का कोई दावेदार ना हो। क्यों दंतिया भविष्यवाणी करती है कि केवल अगला राजा ही उस चट्टान से एक्सेलिबुर उत्तर की तलवार खींचने में सक्षम होगा जहां इसे रखा गया है। इसलिए आर्थर की पहचान करने के प्रयास में वॉटिग्रेन ने आर्थर की उम्र के सभी युवकों को तलवार निकालने का प्रयास करने के लिए मजबूर किया। अब आर्थर की बारी है। मॉडेड एक लोहे की मुट्ठी वाला युद्ध पोत है और उसकी सेना ने मानव जाति पर जादू टोन वाले मेग एस का प्रभुत्व स्थापित करने की मांग करते हुए कैमलॉट को घेर लिया। ब्रिटेन के राजा उत्तर पैडग्रेन ने मॉडेड की मात में घुसपैठ की और गैमलॉट को बचाते हुए उसका सिर काट दिया। उत्तर के विश्वासघाती छोटे भाई वॉटिगर्न जो सिंहासन की लालसा करते हैं एक तख्ता पलट करते हैं और अपनी पत्नी एल्सा को एक दानव सूरवीर बनने के लिए घास काटने के लिए बलिदान करते हैं, जो उत्तर की पत्नी इग्रेन को मारते हैं और युद्ध में उत्तर को मारता है। एकमात्र उत्तर जीवी उत्तर का बेटा आर्थर है, जो एक नाव में बहता है और लॉर्डिनियम में समाप्त होता है। लॉर्डिनियम की उबड़ खाबड़ और खतरनाक सड़कों पर अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष करते हुए अनाथ युवा सेनानी और उत्तर पैडग्रेन का इकलौता बेटा आर्थर इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर है कि वह इंग्लैंड की शाही शासक है। अपने गद्दार चाचा वॉटिग्रेन
के सिंहासन पर कब्जा करने के लगभग 2 दशक बाद आर्थर अब एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जादुई बोल्डर एक्सकैलिबर के पौराणिक और लंबे समय से खोए हुए ब्लेड को बाहर निकाल सकता है। हालांकि वॉटिग्रेयर उसे पहचानने और फिर उसे रोकने पर तुले हुए है। क्या दुष्ट अत्याचारी आर्थर के असली भाग के रास्ते में आड़े आ सकता है? चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं कि आर्थर मूवी के बारे में। किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड ये 2017 एपिक फैंटास्टिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं गाय रिची और इसे स्क्रीन पर दिए जॉबी हैरोल्ड, गाय रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टोरी दिए डेविड डॉबकिन, जॉबी हैरोल्ड और इसे प्रोड्यूस किए अकीवा गोल्डमैन, जॉबी हैरोल्ड, टॉरी टनल, स्टीव क्लार्क हॉल, गाय रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टारिंग दिए चार्ली हडम, स्ट्रीड बैगर्स, फ्रिशे जिमोन हर्शो, एडन गिलेन, जूड जूड लो, एरिक बर्न और इसे सिनेमेटोग्राफी दिए जॉन मैथिसन और इसे एडिट किए जेम्स हर्बर्ट, इसे म्यूजिक दिए डैनियल पैम्बर्टन और इसे प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, वीड रोड पिक्चर, सेफ हाउस पिक्चर, रिची विक्रम प्रोडक्शन, विलेज रोड शो पिक्चर। इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर अंतर्राष्ट्रीय और रोड शो फिल्म इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका रिलीज डेट है 8 मई 2017 और TCL चीनी रंगमंच और 12 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका, 19 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम और ये इसका रनिंग टाइम हमारा 26 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में बनी हुई फिल्म है। इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और इसका बजट है 175 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 148.7 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। चार्ली हर्डम राज आर्थर के रूप में, एसी डर्ट बर्ग बैगर्स फिश में द मैसेज मैच के रूप में, डिजिमोन हाउसॉ के रूप में सर बेडीवेयर, एडन गिलेन गुस्फेट बिल के रूप में, गैब्रिडा के रूप में मिकेल पर्सब्रांड के रूप में, वॉटिगन उत्तर के भाई एल्सा के पति, एरिका बार उत्तर पैडगन के रूप में, मैगी के रूप में एनाबेल वालिश, किगशले बैद आदिर वेट स्टिक के बैकलैक के रूप में, दिल मस्कैल, जो बैल सरारत जॉन के रूप में, रूबियो के रूप में फ्रेडी फॉक्स, लॉरेन ब्रूस एल लाइन पावले, राजकुमारी कैटिया के रूप में मिली ब्रेडी, पॉपी डेलेविगन रूप इगेरा, कुंग फू जॉर्ज के रूप में टॉम वो, पारसी के रूप में क्रेक मैक कीनेल, पुराने नमकीन समुद्र कुत्ते, सर के मछुआरे के रूप में टीक ऑच पोख, जैक की आँख के रूप में माइकल मैक लेहटा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम किंग आर्थर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। अपने जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित आर्थर शहर की पिछली गलियों में कठिन रास्ते पर आता है, लेकिन एक बार जब वह पत्थर से तलवार खींच लेता है तो उसे अपनी असली विरासत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। राजा आर्थर क्यू दंती का एक वैकल्पिक संस्करण एक लड़के के रूप में आर्थर अपने पिता राजा उत्तर
पैडग्रेन के बाद अनाथ हो गया और वो टिग्रेन द्वारा उनके खिलाफ छेड़े गए युद्ध में माँ की हत्या कर दी गई, जो तब सिंहासन ग्रहण करता है। आर्थर भाग जाता है और एक वैश्यालय में पड़ा बला बढ़ा है। उन्हें जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में बहुत कम जानता है। वो टिग्रीन चाहता है कि मार्थर मर जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सिंहासन का कोई दावेदार ना हो। क्यों दंतिया भविष्यवाणी करती है कि केवल अगला राजा ही उस चट्टान से एक्सेलिबुर उत्थर की तलवार खींचने में सक्षम होगा जहां इशेरा खा गया है। इसलिए आर्थर की पहचान करने के प्रयास में वॉटिग्रेन ने आर्थर की उम्र के सभी युवकों को तलवार निकालने का प्रयास करने के लिए मजबूर किया। अब आर्थर की बारी है। मॉडेड एक लोहे की मुट्ठी वाला युद्धपोत है और उसकी सेना ने मानव जाति पर जादू टोन वाले मेग एस का प्रभुत्व स्थापित करने की मांग करते हुए कैमलॉट को घेर लिया। ब्रिटेन के राजा उथर पैडग्रेन ने मॉडेड की मात में घुसपैठ की और गैमलॉट को बचाते हुए उसका सिर काट दिया। उथर के विश्वासघाती छोटे भाई वॉटिगर्न, जो सिंहासन की लालसा करते हैं, एक तख्ता पलट करते हैं और अपनी पत्नी एल्सा को एक दानव सूरवीर बनने के लिए घास काटने के लिए बलिदान करते हैं, जो उत्थर की पत्नी इग्रेन को मारते हैं और युद्ध में उत्थर को मारता है। एकमात्र उत्तर जीवी उत्थर का बेटा आर्थर है, जो एक नाव में बहता है और लॉर्डिनियम में समाप्त होता है। लॉर्डिनियम की उबड़ खाबड़ और खतरनाक सड़कों पर अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष करते हुए अनाथ युवा सेनानी और उत्थर पैडग्रेन का इकलौता बेटा आर्थर इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर है कि वह इंग्लैंड की शाही शासक है। अपने गद्दार चाचा वॉटिग्रेन के सिंहासन पर कब्जा करने के लगभग 2 दशक बाद आर्थर अब एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जादुई बोल्डर एक्सकैलिबर के पौराणिक और लंबे समय से खोए हुए ब्लेड को बाहर निकाल सकता है। हालांकि वॉटिग्रेन उसे पहचानने और फिर उसे रोकने पर तुले हुए हैं। क्या दुष्ट अत्याचारी आर्थर के असली भाग के रास्ते में आड़े आ सकता है? चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं कि आर्थर मूवी के बारे में। किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड ये 2017 एपिक फैंटास्टिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं गाई रिची और इसे स्क्रीन पर दिए जॉबी हैरोल्ड, गाई रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टोरी दिए डेविड डॉब की जॉबी हैरोल्ड और इसे प्रोड्यूस किए अकीवा गोल्डमैन, जॉबी हैरोल्ड, टॉरी टनल, स्टीव क्लार्क हॉल, गाई रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टारिंग दिए चार्ली हडम, स्ट्रीड बैगर्स, फ्रिशेब, जिमोन हॉर्शो, एडन गिलेन, जूड लो, एरिक बर्न और इसे सिनेमेटोग्राफी दिया जॉन मैथिसन और इसे रेट किया जेम्स हर्बर्ट, इसे म्यूजिक दिया डैनियल पैम्बर्टन और इसे प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, वीड रोड पिक्चर, सेफ हाउस पिक्चर, रिची विक्रम प्रोडक्शन, विलेज रोड शो पिक्चर, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर अंतर्राष्ट्रीय और रोड शो फिल्म, इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका रिलीज डेट है 8 मई 2017 और TCL
चीनी रंग मंच और 12 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका, 19 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम, और ये इसका रंग टाइम हमारा 26 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में बनी हुई फिल्म है। इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और इसका बजट है 175 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 148.7 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। चार्ली हार्डम राज आर्थर के रूप में, एसी डर्ट बर्ग बैगर्स फिश में द मैसेज मैच के रूप में, डिजिमोन हाउसो के रूप में सर बेडीवेयर, एडन गीलन घुसफैट बिल के रूप में, गैब्रिडर के रूप में मिकेल पर्स ब्रांड के रूप में, वॉटिगर्ड उत्तर के भाई एल्सा के पति, एरिका बार उत्तर पैडगन के रूप में, मैगी के रूप में एनाबेल वालिश की, किशले बैद आदिर वेट स्टिक के बैक लेग के रूप में, दिल मस्कैल जो बैल सरारत जॉन के रूप में, रूबियो के रूप में फ्रेडी फॉक्स, लॉरेन ब्रूस एल लाइन पावल, राजकुमारी कैटिया के रूप में मिली ब्रेडी, पॉपी डेलेविगन रूप इगेराइन, कुंगफू जॉर्ज के रूप में टॉम वो, पारसी के रूप में क्रेक मैक कीनेल, पुराने नमकीन समुद्र कुत्ते सर के मछुआरे के रूप में टीक ऑच पोख, जैक की आँख के रूप में माइकल मैक लेहटा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम किंग आर्थर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। अपने जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित आर्थर शहर की पिछली गलियों में कठिन रास्ते पर आता है, लेकिन एक बार जब वह पत्थर से तलवार खींच लेता है तो उसे अपनी असली विरासत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। राजा आर्थर किंवदंती का एक वैकल्पिक संस्करण, एक लड़के के रूप में आर्थर अपने पिता राजा उत्तर पैडग्रेन के बाद अनाथ हो गया और वो टिग्रेन द्वारा उनके खिलाफ छेड़े गए युद्ध में मां की हत्या कर दी गई, जो तब सिंहासन ग्रहण करता है। आर्थर भाग जाता है और एक वैश्यालय में पड़ा बला बढ़ा है। अपने जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में बहुत कम जानता है। वो टिग्रेन चाहता है कि मार्थर मर जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सिंहासन का कोई दावेदार ना हो। किंवदंतिया भविष्यवाणी करती है कि केवल अगला राजा ही उस चट्टान से एक्सेलिबुर उत्तर की तलवार खींचने में सक्षम होगा जहां इसे रखा गया है। इसलिए आर्थर की पहचान करने के प्रयास में वॉटिग्रेन ने आर्थर की उम्र के सभी युवकों को तलवार निकालने का प्रयास करने के लिए मजबूर किया। अब आर्थर की बारी है। मॉडेड एक लोहे की मुट्ठी वाला युद्धपोत है और उसकी सेना ने मानव जाति पर जादू टोन वाले मेग एस का प्रभुत्व स्थापित करने की मांग करते हुए कैमलॉट को घेर लिया। ब्रिटेन के राजा उत्तर पैडग्रेन ने मॉडर्ड की मात में घुसपैठ की और गैमलॉट को बचाते हुए उसका सिर काट दिया। उत्तर के विश्वासघाती छोटे भाई वॉटिगर्ड जो सिंहासन की लालसा करते हैं एक तख्ता पलट करते हैं और अपनी पत्नी एल्सा को एक दानव सूरवीर बनने के लिए घास काटने के लिए बलिदान करते हैं, जो उत्थर की पत्नी इग्रेन को मारते हैं और युद्ध में उत्थर को मारता यह है। एकमात्र
पुत्र जीवी उथर 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 का बेटा आर्थर है, जो एक नाव में बहता है और लॉर्डिनियम में समाप्त होता है। लॉर्डिनियम की उबड़ खाबड़ और खतरनाक सड़कों पर अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष करते हुए अनाथ युवा सेनानी और उथर पैडेग्रेन का इकलौता बेटा आर्थर इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर है कि वह इंग्लैंड की शाही शासक है। अपने गद्दार चाचा वोर्टिग्रेन के सिंहासन पर कब्जा करने के लगभग 2 दशक बाद आर्थर अब एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जादुई बोल्डर एक्सकैलिबर के पौराणिक और लंबे समय से खोए हुए ब्लेड को बाहर निकाल सकता है। हालांकि वोर्टिग्रेन उसे पहचानने और फिर उसे रोकने पर तुले हुए हैं। क्या दुष्ट अत्याचारी आर्थर के असली भाग के रास्ते में आड़े आ सकता है? चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं कि आर्थर मूवी के बारे में। किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड ये 2017 एपिक फैंटास्टिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं गाय रिची और इसे स्क्रीन पर दिए जॉबी हैरोल्ड, गाय रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टोरी दिए डेविड डॉगिन, जॉबी हैरोल्ड और इसे प्रोड्यूस किए अकीवा गोल्डमैन, जॉबी हैरोल्ड, टॉरी टनल, स्टीव क्लार्क हॉल, गाय रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टारिंग दिए चार्ली हडम, स्ट्रीड बैगर्स, फ्रीशेब, जिमोन हर्शो, एडन गिलेन, जूड लो, एरिक बर्न और इसे सिनेमेटोग्राफी दिए जॉन मैथिसन और इसे एडिट किए जेम्स हर्बर्ट, इसे म्यूजिक दिए डैनियल पैम्बर्टन और इसे प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, वीड रोड पिक्चर, सेफ हाउस पिक्चर, रिची विक्रम प्रोडक्शन, विलेज रोड शो पिक्चर। इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर अंतर्राष्ट्रीय और रोड शो फिल्म इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका रिलीज डेट है 8 मई 2017 और TCL चीनी रंगमंच और 12 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका, 19 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम और ये इसका रनिंग टाइम 126 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में बनी हुई फिल्म है। इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और इसका बजट है 175 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 148.7 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। चार्ली हर्डम राज आर्थर के रूप में, एसिडर्ट बर्ग बैगर्स फिश में द मैसेज मैज के रूप में, डिजिमोन हाउसो के रूप में सर बेडीवेयर, एडन गिलेन घुसफैट बिल के रूप में, गैब्रिडा के रूप में मिकेल पर्स ब्रांड के रूप में, वोर्टिगर्न उत्तर के भाई एल्सा के पति, एरिका बार उत्तर पैड्रगन के रूप में, मैगी के रूप में एनाबेल वालिश, की गिशले बैद आदिर वेट स्टिक के बैक लेग के रूप में, दिल मस्कैल, जो बैल सरारत जॉन के रूप में, रूबियो के रूप में फ्रेडी फॉक्स, लॉरेन ब्रूस, एल लाइन पावल, राजकुमारी कैटिया के रूप में मिली ब्रेडी, पॉपी डेलेविगन रूप इगेरा, कुंगफू जॉर्ज के रूप में टॉम वो, पारसी के रूप में क्रेक मैक कीनेल, पुराने नमकीन समुद्र कुत्ते, सर के मछुआरे के रूप में टीक ऑच पोख, जैक की आँख के रूप में माइकल मैक लेहटा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हेलो फ्रेंड्स, आज हम किंग आर्थर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। अपने जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित आर्थर शहर की पिछली गलियों में कठिन रास्ते पर आता है, लेकिन एक बार जब वह पत्थर से तलवार खींच लेता है तो उसे अपनी असली विरासत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। राजा आर्थर किंवदंती का एक वैकल्पिक संस्करण एक लड़के के रूप में आर्थर अपने पिता राजा उत्तर पैडग्रेन के बाद अनाथ हो गया और वोटिग्रेन द्वारा उनके खिलाफ छेड़े गए युद्ध में मां की हत्या कर दी गई, जो तब सिंहासन ग्रहण करता है। आर्थर भाग जाता है और एक वैश्यालय में पड़ा बला बढ़ा है। अपने जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में बहुत कम जानता है। वो टिग्रीन चाहता है कि मार्थर मर जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सिंहासन का कोई दावेदार ना हो। क्यों दंतिया भविष्यवाणी करती है कि केवल अगला राजा ही उस चट्टान से एक्सेलिबुर उत्तर की तलवार खींचने में सक्षम होगा जहां इसे रखा गया है। इसलिए आर्थर की पहचान करने के प्रयास में वोटिग्रेन ने आर्थर की उम्र के सभी युवकों को तलवार निकालने का प्रयास करने के लिए मजबूर किया। अब आर्थर की बारी है। मॉडेड एक लोहे की मुट्ठी वाला युद्ध पोत है और उसकी सेना ने मानव जाति पर जादू टोन वाले मेग एस का प्रभुत्व स्थापित करने की मांग करते हुए कैमलॉट को घेर लिया। ब्रिटेन के राजा उथर पैडग्रेन ने मॉडेड की मात में घुसपैठ की और गैमलॉट को बचाते हुए उसका सिर काट दिया। उथर के विश्वासघाती छोटे भाई वोटिग्रेन, जो सिंहासन की लालसा करते हैं, एक तख्ता पलट करते हैं और अपनी पत्नी एल्सा को एक दानव सूरवीर बनने के लिए घास काटने के लिए बलिदान करते हैं, जो उत्तर की पत्नी इग्रेन को मारते हैं और युद्ध में उत्तर को मारता है। एकमात्र उत्तर जीवी उत्तर का बेटा आर्थर है, जो एक नाव में बहता है और लॉर्डिनियम में समाप्त होता है। लॉर्डिनियम की उबड़ खाबड़ और खतरनाक सड़कों पर अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष करते हुए अनाथ युवा सेनानी और उत्तर पैडग्रेन का इकलौता बेटा आर्थर इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर है कि वह इंग्लैंड की शाही शासक है। अपने गद्दार चाचा वोटिग्रेन के सिंहासन पर कब्जा करने के लगभग दो दशक बाद आर्थर अब एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जादुई बोल्डर एक्सकैलिबर के पौराणिक और लंबे समय से खोए हुए ब्लेड को बाहर निकाल सकता है। हालांकि वोटिग्रेन उसे पहचानने और फिर उसे रोकने पर तुले हुए हैं। क्या दुष्ट अत्याचारी आर्थर के असली भाग के रास्ते में आड़े आ सकता है? चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं कि आर्थर मूवी के बारे में। किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड ये 2017 एपिक फैंटास्टिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं गाय रिची और इसे स्क्रीन पर दिए जॉबी हैरोल्ड, गाय रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टोरी दिए डेविड डॉगिन, जॉबी हैरोल्ड और इसे प्रोड्यूस किए अकीवा गोल्डमैन, जॉबी हैरोल्ड, टॉरी टनल, स्टीव क्लार्क हॉल, गाय रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टारिंग दिए चार्ली हडम, स्ट्रीड बैगर्स, फ्रिशे जिमोन हॉर्शो, एडन गिलेन, जूड जूड लो, एरिक
एरिक बर्ना और इसे सिनेमाटोग्राफी दिया जॉन मैथिसन और इसे एडिट किया जेम्स हर्बर्ट, इसे म्यूजिक दिए डैनियल पैम्बर्टन और इसे प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, वीड रोड पिक्चर, सेफ हाउस पिक्चर, रिची विक्रम प्रोडक्शन, विलेज रोड शो पिक्चर। इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर अंतर्राष्ट्रीय रोड शो फिल्म, इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका रिलीज डेट है 8 मई 2017 और TCL चीनी रंगमंच और 12 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका, 19 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम और ये इसका रनिंग टाइम हमारा 26 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में बनी हुई फिल्म है। इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और इसका बजट है 175 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 148.7 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। चार्ली हर्डम राज आर्थर के रूप में, एशली डर्ट बर्ग बैगर्स फिश में द मैसेज मैच के रूप में, डिजिमोन हाउसॉ के रूप में सर बेडीवेयर, एडन गीलन घुसफैट बिल के रूप में, गैब्रिडा के रूप में मिकेल पर्सब्रांड के रूप में, वॉटिगर्ड उत्तर के भाई एल्सा के पति, एरिका बार उत्तर पैडगन के रूप में, मैगी के रूप में एनाबेल वालिश, किगिशले बैद आदिर वेट स्टिक के बैकलैक के रूप में, दिल मस्कैल जो बैल सरारत जॉन के रूप में, रूबियो के रूप में फ्रेडी फॉक्स, लॉरेन ब्रूस एल लाइन पावल, राजकुमारी कैटिया के रूप में मिली ब्रेडी, पॉपी डेलेविगन रूप इगेरा, कुंगफू जॉर्ज के रूप में टॉम वो, पारसी के रूप में क्रेक मैक कीनेल, पुराने नमकीन समुद्र कुत्ते सर के मछुआरे के रूप में टीक ऑच पोख, जैक की आँख के रूप में माइकल मैक लहटा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम किंग आर्थर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। अपने जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित आर्थर शहर की पिछली गलियों में कठिन रास्ते पर आता है, लेकिन एक बार जब वह पत्थर से तलवार खींच लेता है तो उसे अपनी असली विरासत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। राजा आर्थर क्यू दंती का एक वैकल्पिक संस्करण एक लड़के के रूप में आर्थर अपने पिता राजा उत्तर पैडग्रेन के बाद अनाथ हो गया और वॉटिग्रेन द्वारा उनके खिलाफ छेड़े गए युद्ध में मां की हत्या कर दी गई, जो तब सिंहासन ग्रहण करता है। आर्थर भाग जाता है और एक वैश्यालय में पड़ा बला बढ़ा है। अपने जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में बहुत कम जानता है। वॉटिग्रेन चाहता है कि मार्थर मर जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सिंहासन का कोई दावेदार ना हो। क्यों दंतिया भविष्यवाणी करती है कि केवल अगला राजा ही उस चट्टान से एक्सेलिबुर उत्तर की तलवार खींचने में सक्षम होगा जहां इसे रखा गया है। इसलिए आर्थर की पहचान करने के प्रयास में वॉटिग्रेन ने आर्थर की उम्र के सभी युवकों को तलवार निकालने का प्रयास करने के लिए मजबूर किया। अब आर्थर की बारी है। मॉडेड एक लोहे की मुट्ठी वाला युद्धपोत है और उसकी सेना ने मानव जाति पर जादू टोन वाले मेग एस का प्रभुत्व स्थापित करने की मांग करते हुए कैमलॉट को घेर लिया। ब्रिटेन के राजा उत्तर पैडग्रेन ने मॉडर्ड की मात में घुसपैठ की और
गैमलॉट को बचाते हुए उसका सिर काट दिया। उथर के विश्वासघाती छोटे भाई वॉटिगर्ड, जो सिंहासन की लालसा करते हैं, एक तख्ता पलट करते हैं और अपनी पत्नी एल्सा को एक दानव सूरवीर बनने के लिए घास काटने के लिए बलिदान करते हैं, जो उत्थर की पत्नी इग्रेन को मारते हैं और युद्ध में उत्थर को मारता है। एकमात्र उत्तर जीवी उत्थर का बेटा आर्थर है, जो एक नाव में बहता है और लॉर्डिनियम में समाप्त होता है। लॉर्डिनियम की उबड़ खाबड़ और खतरनाक सड़कों पर अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष करते हुए अनाथ युवा सेनानी और उत्थर पैडेग्रेन का इकलौता बेटा आर्थर इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर है कि वह इंग्लैंड की शाही शासक है, अपने गद्दार चाचा वॉटिग्रेन के सिंहासन पर कब्जा करने के लगभग 2 दशक बाद आर्थर अब एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जादुई बोल्डर एक्सकैलिबर के पौराणिक और लंबे समय से खोए हुए ब्लेड को बाहर निकाल सकता है। हालांकि वॉटिग्रेन उसे पहचानने और फिर उसे रोकने पर तुले हुए हैं। क्या दुष्ट अत्याचारी आर्थर के असली भाग के रास्ते में आड़े आ सकता है? चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं कि आर्थर मूवी के बारे में। किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड ये 2017 एपिक फैंटास्टिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं गाई रिची और इसे स्क्रीन पर दिए जॉबी हैरोल्ड, गाई रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टोरी दिए डेविड डॉब की जॉबी हैरोल्ड और इसे प्रोड्यूस किए अकीवा गोल्डमैन, जॉबी हैरोल्ड, टॉरी टनल, स्टीव क्लार्क हॉल, गाय रिची, लियोनेल विक्रम और इसे स्टारिंग दिए चार्ली हडम, स्ट्रीड बैगर्स, फ्रिशेब, जिमोन हॉर्शो, एडन गिलेन, जूड लो, एरिक बर्न और इसे सिनेमेटोग्राफी दिया जॉन मैथिसन और इसे रेट किया जेम्स हर्बर्ट, इसे म्यूजिक दिया डैनियल पैम्बर्टन और इसे प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रदर्स पिक्चर, वीड रोड पिक्चर, सेफ हाउस पिक्चर, रिची विक्रम प्रोडक्शन, विलेज रोड शो पिक्चर, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर अंतर्राष्ट्रीय और रोड शो फिल्म, इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका रिलीज डेट है 8 मई 2017 और TCL चीनी रंगमंच और 12 मई 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका, 19 मई 2017 यूनाइटेड किंगडम और ये इसका रनिंग टाइम 126 मिनट। ये यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में बनी हुई फिल्म है। इसका लैंग्वेज है इंग्लिश और इसका बजट है 175 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 148.7 मिलियन डॉलर। चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। चार्ली हर्डम राज आर्थर के रूप में, एसिडर्ड बर्ग बैगर्स फिश में, द मैसेज मैच के रूप में, डिजिमोन हाउसो के रूप में सर बेडीवेयर, एडन गिलेन घुसफैट बिल के रूप में, गैब्रिडर के रूप में मिकेल पर्स ब्रांड के रूप में, वॉटिगर्ड उत्तर के भाई एल्सा के पति, एरिका बर्न उत्तर पैड्रगन के रूप में, मैगी के रूप में एनाबेल वालिश, की गिशले बैद आदिर वेट स्टिक के बैक लेग के रूप में, दिल मस्कैल जो बैल सरारत जॉन के रूप में, रूबियो के रूप में फ्रेडी फॉक्स, लॉरेन ब्रूस एल लाइन पावले, राजकुमारी कैटिया के रूप में मिली ब्रेडी, पॉपी डेलेविगन रूप इगेरा
कुंग फू जॉर्ज के रूप में टॉम हुआ, पारसी के रूप में क्रेक मैक कीनेल, पुराने नमकीन समुद्र कुत्ते, शहर के मछुआरे के रूप में टीक ऑच पोख, जैक की आँख के रूप में माइकल मैक लेहटा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।